राजस्थान के अलावा राज्य के कई हिस्सों से मजदूरों का लॉकडाउन के चलते पलायन करना अभी भी जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले से यूपी जाने के लिए एक उद्योग में ठेकेदार पास काम करने वाले मजदूर साइकिल से अपने गांव के लिए निकले हैं। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास ये साइकिल सवार मजदूर दिखाई दिए। चार साइकिलों पर ये मजदूर सवार होकर चित्तौड़ के गंगरार क्षेत्र से एक उद्योग में काम करने वाले मजदूर ठेकेदार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के बाद विवश होकर अपने घर लौटने को मजबूर हुए। इन मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं था कि कोई भी साधन करके अपने गांव उत्तर प्रदेश वो लौट सके। ऐसे में इन मजदूरों ने अपने परिवार से आर्थिक मदद मांगी। लॉकडाउन के चलते इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके बाद भी परिजनों ने अपने पास बुलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर उनके अकाउंट में डाला, जिससे इन मजदूरों ने साइकिल खरीदी और इन पर सवार होकर उत्तर प्रदेश अपने गाँव के लिए निकल पड़े। जी हाँ, जो साइकिलें मजदूरों ने खरीदी उनमें से दो साइकिलें ऐसी हैं जो कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अच्छे अंक आने के बाद मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाती है। इन साइकिलों को भी 4000 रुपया में इन मजदूरों को बेचा गया, लेकिन मजबूरी के चलते इन लोगों ने साइकिल खरीदी और साइकिल में पंचर बनाने का सामान और अपने उपयोगी सामान लाद कर चलना शुरू किया। रास्ते में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, दिन भर कड़ी धूप में चलने के साथ साथ खाने पीने की भी कोई दिक्कत हुई, इसके साथ ही ये कुछ राशन लेते हुए चले थे। सरकारें मजदूरों के पलायन के लिए लाख दावे करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और स्थिति बयां करती हैं। लोगों को सरकारी दावों पर ज्यादा यकीन नहीं है, वह खुद अपने दम पर पहुँचने के लिए जतन कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। सर, हम चित्तौड़ जिला गंगराल क्षेत्र से आए हैं। मनोमल लिमिटेड कंपनी में काम करते थे और वहाँ पे सेठ हमारा जो ठेकेदार के अंडर से काम करते थे, तो ठेकेदार जी ने, हम लोग एक बार पैदल गए 27 मार्च को, तो मांडल से उन्होंने वापस बुलाया, बोला बेटा आपको 8 घंटे की ड्यूटी देंगे और प्लस राशन का खर्चा देंगे। तो हम लोग सर बात उनकी मान के मतलब वापस आए कंपनी में, फिर बंद हो गए, अपने पैसों से राशन खर्चा लिया, सब कुछ सेठ जो बोला वो कुछ नहीं किया। 1 महीना हो गया 1.5 महीना हो गया कंपनी देवसी में, मनोमय टैक्स लिमिटेड इंडिया कंपनी का नाम जी, देवसी में। आप जैसे कितने और लोग हैं वहाँ पर अभी? सर अभी बिहार के लोग बाग फंसे हैं उस कंपनी में। बिहार के लोग फंसे हैं जी? और बस बिहारी के लोग, बिहार के एक आदमी छत्तीसगढ़ का है, मतलब अभी और भी लोग फंसे हैं।